में सुबह से ही डीएम अरविंद कुमार वर्मा, एसपी अवकाश कुमार, एसडीओ संजीव चौधरी के नेतृत्व में मंडल कारा बेगूसराय में 2 घंटे तक छापेमारी की गई। छापेमारी में पुलिस ने जेल के अंदर जो धारदार कैंची को बरामद किया है, जेल के अंदर छापेमारी में और कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिलने, लेकिन 2 धारदार कैंची मिलने से जेल प्रशासन पर सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि आखिरकार जेल के अंदर कैंची पहुंची कैसे। कहा जाता है कि 4 बजे सुबह के बाद अचानक जेल में पुलिस पदाधिकारी के साथ 100 जवान पहुंचे और जेल के अंदर सभी वार्डो में छापेमारी की। छापेमारी में कैंची बरामद किया गया। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देश पर जेल में छापेमारी की गई है। सघन छापेमारी में कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला, लेकिन 2 कैंची बरामद की गई है, जिसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। मिटे न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से रविशंकर गन की रिपोर्ट। हम लोग छापेमारी किए थे, कोई मोबाइल या कोई अन्य अवैध सामान जो अलाउड नहीं है, अगर वो लेके कोई यूज़ कर रहा है, इसीलिए आज सुबह से यहाँ पर रेड की गई टीम गठित करके सभी वार्डों में रेड किया गया, सभी खंडों में जितने हैं। और यहाँ पे कहीं तो कुछ मोबाइल वगैरह तो नहीं मिला है, हालांकि 2 कैंची बाहर बरामद हुई थी, इसके अलावा और कोई सामग्री विशेष आपत्तिजनक नहीं मिली। काफ़ी विस्तार से टीम गठित करके हम लोग बढ़िया से छापेमारी के लिए छानबीन की, लेकिन कोई इसके अलावा कोई अन्य सामग्री नहीं प्राप्त हुई। नहीं, ये औचक छापेमारी थी, ये चीफ सेक्रेटरी सर के आदेश से यहाँ पर कराया गया है, और इसीलिए पूरे टीम के साथ हम लोग दल बल के सिखा के पूरे समुचित ढंग से इसका